नमस्कार बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी भूगोल के फोर्थ चैप्टर कृषि एग्रीकल्चर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज आपके बोर्ड एग्जामिनेशन प्लस एनटीएससी दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत में तीन फसल ऋतुएं होती है, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ वो ग्रीष्मकालीन ऋतु है, रबी शीतकालीन ऋतु है, जबकि जायद रबी और खरीफ के बीच में एक छोटी सी ऋतु होती है जिसमें मुख्य तौर पर चारे या फिर सब्जियां वगैरह वाली फसलें उगाई जाती है। इसमें चार विकल्प दिए गए। पहला विकल्प है हमारा गेहूं, दूसरा है सरसों, तीसरा है चावल और चौथा विकल्प है हमारा मटर। करेक्ट आंसर हमारा रहेगा सी, चावल। चावल एक ग्रीष्मकालीन फसल है, यानी कि ये खरीफ की फसल है। उसके बाद दूसरा हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। हमें बताना रबी की फसल कौन सी है, रबी यानी कि शीतकालीन फसल। पहला विकल्प दिया गया धान यानी कि चावल, दूसरा है गेहूं, तीसरा केला, चौथा है चाय। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा बी रहेगा, यानी कि गेहूं। चावल पहले डिस्कस कर चुके हैं, खरीफ की फसल है, जबकि केला और चाय ये सदाबहार फसलें हैं, पूरे वर्ष पर खेतों में लगी होती हैं। तो इसमें सही विकल्प हमारा गेहूं रहेगा। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया, थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है, चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। हमें ये बताना है कि चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। विकल्प दिए गए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा बी, हमारा चीन के बाद दूसरा स्थान आता है, यानी कि चीन के बाद हम दूसरे सबसे बड़े चावल उत्पादक देश में शामिल हैं। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न रहेगा, जूट यानी कि पटसन के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। जूट या पटसन के उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ये हमें बताना है। तो जूट आपको पता होगा कि जूट एक रेशेदार फसल होती है और उसके रेशे से जो आपने देखे होंगे बोरे बने होते हैं या जो स्कूलों में मैट होते थे पहले, अभी तो आपने नहीं देखे होंगे, वो मैट बने होते हैं या जूट से बने हुए लेडीज़ पर्स वगैरह मार्केट में मिल जाते हैं जो कि थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। तो इस जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। चार विकल्प दिए गए, पहला बिहार, दूसरा असम, तीसरा उड़ीसा और चौथा पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा डी, पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल चावल और जूट दोनों के उत्पादन में पूरे देश भर में पहले स्थान पर आता है। उसके बाद पांचवा हमारा प्रश्न दिया गया, पांचवा प्रश्न है, गेहूं के उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो गेहूं के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है हमें बताना है। चार विकल्प हमारे रहेंगे, मध्य प्रदेश, दूसरा विकल्प है हमारा उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर हमारा बी रहेगा, यूपी। यूपी भी दो फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है, गन्ना और गेहूं के उत्पादन में। उसके बाद छठा हमारा प्रश्न रहेगा, छठा प्रश्न है, चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य है वो देश भर में प्रथम स्थान पर है। अभी हमने डिस्कस किया था कि एक राज्य है जो जूट और चावल दोनों के उत्पादन में पहले स्थान पर आता है। चार विकल्प देखिए, पहला हमारा विकल्प दिया गया ए बिहार, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है सी उत्तर प्रदेश, चौथा है डी पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर हमारा डी रहेगा, पश्चिम बंगाल। ये जूट यानी कि पटसन और चावल दोनों के उत्पादन में पहले स्थान पर आता है। उसके बाद हमारा सातवां प्रश्न दिया गया, सातवां प्रश्न है, किन प्रदेशों में चावल वाणिज्यिक कृषि की एक फसल है। अब वाणिज्यिक कृषि क्या होती है हमें पता होना चाहिए, उसके बाद हम पता करेंगे कि किन प्रदेशों में चावल एक वाणिज्यिक कृषि है। वाणिज्यिक कृषि यानी कि व्यापारिक कृषि, जब कोई फसल किसान मार्केट में बेचने के उद्देश्य से बोता है तो उसको बोलते हैं व्यापारिक फसल, ठीक। यानी कि घर में नहीं रखी जाती या आमतौर पर उपभोग के लिए उस फसल को नहीं बोया जाता, बल्कि सीधे के तौर पर नकदी के लिए यानी कि मार्केट में बेचने के उद्देश्य से उस फसल को बोया जाता है। तो चावल है किन प्रदेशों में वाणिज्यिक फसल है। चार विकल्प दिए गए, बिहार, झारखंड, यहाँ तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे चावल को एक मुख्य खाद्यान्न है, भोजन का एक हिस्सा है। दूसरा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पर भी भोजन का एक प्रमुख हिस्सा है। तीसरा है हरियाणा और पंजाब, चौथा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर सी रहेगा, हरियाणा और पंजाब में चावल की फसल जो ली जाती है उसका मुख्य उद्देश्य होता है मार्केट में बेचना, ओके। यहाँ पर ये भोजन का मुख्य हिस्सा नहीं है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, यहाँ पर चावल एक वाणिज्यिक फसल है, जबकि बाकी सभी राज्यों में ये एक वाणिज्यिक फसल नहीं है बल्कि एक प्रमुख खाद्य फसल है। उसके बाद हमारा आठवां प्रश्न रहेगा, आठवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य, यानी कि चावल चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य, यानी कि चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। चार विकल्प है, पहला झारखंड, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा सी असम, चौथा डी पश्चिम बंगाल। इसमें करेक्ट आंसर हमारा रहेगा सी असम। देश भर की 53% जो चाय है, 53% जो चाय, आधे से ज़्यादा जो चाय है वो अकेले असम में पैदा की जाती है। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल आता है जहाँ पर 24% चाय है देश भर की वो पैदा की जाती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नौवां हमारा प्रश्न रहेगा, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ओके, कहवा मतलब कॉफ़ी, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। चार विकल्प रहेंगे, पहला असम,
दूसरा कर्नाटका, तीसरा केरला, चौथा डी विकल्प हमारा रहेगा तमिलनाडु। कैसे कॉफी, कैसे कहवा और कैसे कर्नाटका, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद दसवां हमारा प्रश्न रहेगा, टेंथ क्वेश्चन है, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें चार विकल्प दिए गए, पहला विकल्प है हमारा धान यानी कि चावल, दूसरा कपास, तीसरा कहवा यानी कॉफी, चौथा जूट यानी कि पटसन। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा बी रहेगा, महाराष्ट्र कपास की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। कभी ये प्रथम स्थान पर होता है तो कभी गुजरात प्रथम स्थान पर होता है, क्योंकि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इन राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी जिसे कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं, वो कपास की फसल के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। चलिए हम इलेवंथ क्वेश्चन की बात करेंगे। इलेवंथ हमारा क्वेश्चन है, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन में अग्रणी है, यानी कि उत्तर भारत के राज्य दिए गए उसमें से बताना है कि कौन सा राज्य प्रमुख उत्पादक राज्य है। हालांकि इस राज्य का महाराष्ट्र के साथ रस्साकसी चलती रहती है, कभी ये राज्य गन्ने के उत्पादन में पहले स्थान पर आ जाता है तो कभी कभी महाराष्ट्र भी उस राज्य को पछाड़ देता है। तो यहाँ पे चार विकल्प है, पहला यूपी, दूसरा है पंजाब, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है हरियाणा। करेक्ट आंसर हमारा रहेगा यूपी। यूपी देश का गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वर्तमान में, हालांकि कभी कभी ये दूसरे स्थान पर भी चला जाता है। उसके बाद ट्वेल्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा, बारहवां प्रश्न रहेगा, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। चार विकल्प हमारे दिए गए, बिहार, महाराष्ट्र, थर्ड हमारा ऑप्शन रहेगा गुजरात, चौथा है हमारा कर्नाटका। करेक्ट आंसर हमारा सी रहेगा, गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उसके बाद थर्टींथ हमारा क्वेश्चन रहेगा, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य बताना हमें। ये जो गन्ना उत्पादक राज्य है दक्षिण भारत का, आजकल एक नया ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है, उत्तर भारत से जो शुगर मिले हैं वो भी दक्षिण भारत की तरफ, उस राज्य की तरफ जा रही है, और धीरे धीरे दक्षिण भारत है वो चीनी के उत्पादन में भी उत्तर भारत से आगे निकलता जा रहा है। तो चलिए विकल्प देखते हैं, पहला कर्नाटका, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु और चौथा है डी आंध्र प्रदेश। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा बी रहेगा, महाराष्ट्र दक्षिण भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। उसके बाद हमारा 14वां प्रश्न रहेगा, भारत की लगभग कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है। लगभग आबादी हमें बताने की कितनी आबादी है जो कृषि कार्यों में लगी हुई है। तो पहला एक तिहाई, दूसरा है दो तिहाई, तीसरा है एक चौथाई और चौथा विकल्प है लगभग 20% के आसपास, यानी कि पांचवा हिस्सा। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा बी रहेगा, दो तिहाई, ये लगभग 60% से ज़्यादा। अगर हम करेक्ट की बात करें तो 60% के आसपास हमारे देश की जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में लगी हुई है, लेकिन मोटे तौर पे हम कह देते हैं कि दो तिहाई हमारे देश की जनसंख्या वो कृषि कार्यों में लगी हुई है। तो ये हमारा 14th क्वेश्चन था। अब हम 15th क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से कौन कृषि को प्रभावित करने वाला, कौन सा कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, यानी कि जिसे कृषि प्रभावित नहीं होती है। पहला नमी, इसकी आवश्यकता होती है कृषि में। दूसरा तापमान, इससे भी प्रभावित होता है क्योंकि फसलों की बुआई है, उनका वर्धन काल है, उनकी कटाई है, वो तापमान पर निर्भर करती है। तीसरा जनसंख्या और चौथा मृदा, मिट्टी। मिट्टी भी बेहद इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी फसल किस मिट्टी में होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर सी रहेगा, जनसंख्या है वो कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तापमान, वर्षा, मिट्टी, ओके। इसके साथ साथ अगर हम बात करें अन्य मानवीय कारकों की, तो उसमें आ जाता है मशीनों का उपयोग, श्रम की उपलब्धता, परिवहन के साधन, ओके। ये वो कारक है जो कृषि को प्रभावित करते हैं, तो जनसंख्या इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद 16वां हमारा प्रश्न रहेगा, पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना चाहिए, ओके। यानी कि जब पौधे हैं उनके उगने के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है। तो चार विकल्प है, पहला है हमारा 3 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 15 डिग्री सेल्सियस, तीसरा 18 यानी कि 18 डिग्री सेल्सियस और चौथा 6 यानी कि 6 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आवश्यक है पौधों के अंकुरण के लिए। उसके बाद हमारा 17th क्वेश्चन रहेगा, 17वां प्रश्न रहेगा, रबर की खेती यानी कि रबड़ की खेती है भारत के किस राज्य में की जाती है, ओके। तो इसमें चार विकल्प है, पहला केरल, दूसरा गुजरात, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा है आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर हमारा रहेगा ए, केरल। आप भी साथ साथ गैस कर सकते हो ताकि आइडिया लगे कि किस हद तक आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। तो इसमें ए यानी कि केरल है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद 18th हमारा क्वेश्चन है, 18वां प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि मतलब जो स्थान बदल बदल के की जाती है उसे हम स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। इसको कर्तन एवं दहन भी बोला जाता है। कर्तन मतलब काटना, दहन मतलब जलाना, क्योंकि इसमें जो आदिवासी लोग हैं, जो कृषक समाज है, जो कृषि करता है इस प्रकार की, वो एक स्थान पे जाता है, पेड़ों को काटता है, फिर जलाता है, फिर दूसरे स्थान पे जाता है, पेड़ों को काटता है, जलाता है। तो इसलिए इसको कर्तन दहन
भी बोलते हैं और स्थान बदल बदल के की जाती है, इसको हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। तो इसको पूर्वोत्तर राज्यों में किस नाम से जाना जाता है ये हमें बताना है। तो इसमें पहला विकल्प है दहिया, दूसरा झूम, तीसरा दीपा और चौथा है खिल। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा बी रहेगा, इसको झूम कृषि कहा जाता है पूर्वोत्तर भारत में। झूम के अलावा झूमिंग भी बोल दिया जाता है, क्लियर। उसके बाद हमारा 19th क्वेश्चन रहेगा, 19वां हमारा प्रश्न रहेगा, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है ये हमें बताना है। तो झारखंड में स्थानांतरित जो कृषि है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, उसको क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है पामलू, दूसरा है पोडू, तीसरा है कुरुआ और चौथा है कुमारी। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा सी रहेगा, झारखंड में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको कुरुआ कहा जाता है, क्लियर। चलिए 20th क्वेश्चन की बात करेंगे, 20वां हमारा प्रश्न रहेगा, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितने हेक्टेयर है, कुल भूमि हमें बतानी है, NCERT आपकी बुक है उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें पहला ऑप्शन है हमारा 5 करोड़ हेक्टेयर, दूसरा 14 लाख हेक्टेयर, तीसरा 14 करोड़ हेक्टेयर और डी हमारा ऑप्शन है 36 करोड़ हेक्टेयर। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा सी रहेगा, 14 करोड़ हेक्टेयर शुद्ध बोई गई जमीन है। शुद्ध बोई गई जमीन यानी कि जिसके ऊपर कृषि की जाती है, जिसमें वर्ष में कम से कम एक फसल ली जाती है, वो शुद्ध बोई गई भूमि कहलाती है। तो 14 करोड़ हेक्टेयर हमारे देश में शुद्ध बोई गई जमीन है। एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है, यानी कि हेक्टेयर है जिसमें भूमि को मापा जाता है, ये स्टैंडर्ड यूनिट है, लेकिन जनरल सेंस में कहें तो एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़ जमीन होती है, जबकि यूपी की बात की जाए तो यूपी में बीघे में जमीन को मापा जाता है। चलिए हम 21st क्वेश्चन की बात करेंगे, 21वां हमारा प्रश्न रहेगा, पंजाब की लगभग कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है, हमें बताना है। पंजाब की लगभग कितने प्रतिशत जो जमीन है जिसके ऊपर खेती की जाती है, कृषि की जाती है। पहला विकल्प है 33%, 33%, सेकेंड है 84%, 84%, 48% यानी कि 48% और डी है 14% यानी कि 14%। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा बी, 84% 84% जो जमीन है पंजाब में उसके ऊपर कृषि की जाती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 22वां प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल है वो खरीफ की फसल नहीं, ये हमें बताना है। खरीफ मतलब ग्रीष्मकालीन फसल नहीं है, ओके। पहला विकल्प है हमारा धान यानी कि चावल, जिसकी बात हम ऊपर कर चुके हैं, ये खरीफ की फसल है। दूसरा गेहूं, तीसरा मूंगफली और चौथा है कपास, ओके। तो इसमें बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, गेहूं है वो रबी की फसल है, शीतकालीन फसल है, सर्दियों में इसको उगाया जाता है। उसके बाद 23वां हमारा प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल नहीं है, निम्नलिखित में से हमें बताना है कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है। पहला विकल्प है गेहूं, दूसरा चना, तीसरा मक्का और चौथा सरसों। इसमें सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, जो मक्के की फसल है वो खरीफ की फसल है, न कि रबी की फसल। उसके बाद 24वां हमारा प्रश्न रहेगा, 24वां हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सी धान की एक फसल नहीं है, ओके, यानी धान मतलब चावल, ओके। जैसे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में जो जलवायु है उसके कारण पूरे वर्ष पर एक ही फसल यानी कि चावल की 3 फसलें ले ली जाती है, चावल बोया चावल काटा, चावल बोया चावल काटा, मतलब वही चलता रहता है। तो वहाँ पर 3 फसलें, उनके नाम यहाँ पे दिए गए, एक है जो उस फसल का नाम नहीं है। 4 विकल्प देखिए, अमन, सुमन, ओस और बोरो, ओके, इनमें से एक है वो चावल की फसल नहीं है। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा बी रहेगा, सुमन। अमन, ओस और बोरो चावल की 3 फसलें हैं जो पश्चिम बंगाल में ली जाती है एक वर्ष में, ओके। तो सुमन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि ये चावल की धान की फसल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 25वां हमारा प्रश्न रहेगा, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है, ओके। धान की कृषि है उसके अंतर्गत सर्वाधिक भूमि है किस राज्य में, ये हमें बताना है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चावल है वो बोया जाता है परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो इसमें विकल्प दिए गए, पहला पंजाब, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा बिहार, चौथा केरल। तो डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, हम बात करें परसेंटेज के अकॉर्डिंग तो केरला में सर्वाधिक प्रतिशत जो जमीन है जिसके ऊपर धान की कृषि की जाती है, ओके। उसके बाद हमारा 26वां प्रश्न रहेगा, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में, ओके। तो इसमें विकल्प दिए गए, पहला पंजाब, दूसरा बिहार, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा है पश्चिम बंगाल। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा ए रहेगा, पंजाब में प्रति हेक्टेयर उत्पादन धान का वर्तमान की बात कर रहा हूँ, वर्तमान में सबसे ज़्यादा है, उससे पहले पश्चिम बंगाल में ज़्यादा था, ओके। तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अभी वर्तमान में पंजाब में है। उसके बाद 27वां हमारा प्रश्न रहेगा, 27वां प्रश्न है, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है, यानी कि ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है ये हमें बताना है। तो पहला विकल्प है हमारा उड़ीसा, दूसरा गुजरात, तीसरा राजस्थान और चौथा महाराष्ट्र। डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा,
महाराष्ट्र देश भर में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उसके बाद 28वां हमारा प्रश्न रहेगा, 28वां प्रश्न है, गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग कितना समय लगता है। ओके, गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग कितना समय लगता है, तो इसमें चार विकल्प मिले हमें, पहला 1 वर्ष, दूसरा 6 महीने, तीसरा 3 महीने और चौथा विकल्प है हमारा 1 महीना। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा लगभग 1 वर्ष, 9 से 12 महीने का समय लग जाता है गन्ने की फसल को तैयार होने में। उसके बाद 29वां हमारा प्रश्न रहेगा, 29th क्वेश्चन, इनमें से कौन सी निर्वाह कृषि की फसल नहीं है, ये हमें बताना है। ओके, निर्वाह कृषि मतलब जो सिर्फ पेट भरने के उद्देश्य से की जाती है, गुजारे के लिए की जाती है, मार्केट में बेचने के उद्देश्य से नहीं की जाती। ओके, तो इसमें विकल्प है पहला चावल, दूसरा है गेहूं, तीसरा गन्ना और चौथा है ज्वार बाजरा। तो इसमें जो गन्ना है सी, वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ये एक व्यापारिक वाणिज्यिक फसल है जिसका उत्पादन मार्केट में बेचने के उद्देश्य से किया जाता है, तो ये निर्वाह कृषि में नहीं आती, यानी कि पेट भरने के उद्देश्य से नहीं की जाती है। क्लियर, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, 30वां हमारा प्रश्न रहेगा, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है। ओके, स्थानांतरित कृषि मतलब जो स्थान बदल बदल के कृषि की जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य होता है पेट भरना ही। ठीक, तो इसमें कौन सी फसल है जो नहीं ली जाती है, तो इसमें कपास विकल्प दिया गया, मक्का, जौ और महुआ, चार विकल्प है, तो इसमें करेक्ट आंसर कपास रहेगा। कपास एक वाणिज्यिक कृषि है जो कि पेट भरने के काम तो बिल्कुल नहीं आती। ओके, रेशेदार फसल है, तो इसका उत्पादन है वो स्थानांतरित यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंडर नहीं किया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, 31वां हमारा प्रश्न रहेगा, तिलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ये हमें बताना है। तिलहन के उत्पादन में हम विश्व में कौन से स्थान पर आते हैं, तिलहन मतलब तेल वाली फसलों के उत्पादन में। तो इसमें चार विकल्प दिए गए, पहला विकल्प है हमारा पहला, दूसरा 5वां या 8वां, इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ए, पहला, तिलहन के उत्पादन में हम पहले स्थान पर आते हैं विश्व भर में। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 32वां, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, चार विकल्प रहेंगे, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात। तो डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, गुजरात मूंगफली के उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है। जो मूंगफली की अगर बात की जाए तो मूंगफली है वो काली मिट्टी में अच्छी होती है, मूंगफली, तंबाकू और कपास, और गुजरात में काली मिट्टी का अच्छा खासा विस्तार पाया जाता है। उसके बाद 33वां हमारा प्रश्न रहेगा, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। ओके, जहां पर नारियल का सबसे ज्यादा उत्पादन होगा उसे नारियल प्रदेश कहेंगे ना, यानी कि नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी वही होगा। तो चार विकल्प दिए गए, पहला विकल्प हमारा केरल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा उड़ीसा और चौथा असम, इसमें करेक्ट आंसर हमारा रहेगा केरल। ओके, केरल है, उसे भारत का नारियल प्रदेश भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है, यानी कि किस फसल के लिए ग्रीष्मकाल में गर्मियों में अधिक बारिश की आवश्यकता होती है। पहला विकल्प है चना, ये तो रबी की फसल है, धान, तीसरा है कपास, तीसरा गेहूं और चौथा कपास। ओके, तो इसमें चना और गेहूं रबी की फसल है, तो ग्रीष्मकालीन नहीं हुई ना, शीतकालीन होगी। कपास है, इसके लिए कम बारिश की आवश्यकता होती है, तो इसमें रह गया हमारा बी धान, चावल, चावल के लिए अधिक बारिश की आवश्यकता होती है, तो हमारा बी ऑप्शन है धान, ये करेक्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, 35वां हमारा प्रश्न है, पंजाब की मुख्य फसल कौन सी है। ओके, तो पंजाब की मुख्य फसलें चार विकल्प है, बाजरा, धान, चाय, गेहूं। तो इसमें बाजरे का बात की जाए तो थोड़ा बहुत जो अबोहर है उस साइड में थोड़ा बहुत उत्पादन होता है। ओके, चाय का उत्पादन पंजाब में नहीं होता। रह गई दो फसलें धान और गेहूं, इसमें से गेहूं यहाँ की मुख्य फसल है क्योंकि गेहूं का पूरे देश भर में सर्वाधिक जो उत्पादन है प्रति हेक्टेयर की बात करें तो वो यहीं पर किया जाता है। ओके, तो गेहूं यहाँ की प्रमुख फसल है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है। ओके, रागी एक मोटे अनाज की फसल है, रागी, इसके अलावा ज्वार, बाजरा, ये सारे मोटे अनाज में आ जाते हैं तीनों फसलें। ठीक, तो रागी को यूपी और बिहार में किस नाम से जाना जाता है, चार विकल्प है महुआ, मधुआ, मडुआ और मछुआ। सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, इस फसल को मडुआ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है, कौन सी है वो दलहन की फसल नहीं है, ये हमें बताना है। ओके, दलहन मतलब दाल वाली फसल। पहला विकल्प है चना, चने की दाल आपने खाई होगी, अरहर है दूसरा विकल्प, तीसरा बाजरा, चौथा मसूर। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा सी, बाजरा एक मोटा अनाज है, दलहन नहीं है। आपने भी बाजरे की रोटियां खूब खाई होगी, अगर नहीं खाई तो इस बार सर्दियों में ट्राई कीजिएगा, अच्छी होती है, टेस्टी होती है। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 38वां हमारा प्रश्न है, चाय किस प्रकार की फसल है। ओके, चाय की जो फसल होती है इसकी एक झाड़ी होती है, ठीक। एक बार अगर इस झाड़ी को लगा दिया तो 25 से 30 वर्षों तक ये फसल देती है, क्लियर। लेकिन इस झाड़ी के साथ समस्या ये कि एक तो इसे पूरे वर्ष भर फुहारों के रूप में बारिश चाहिए, दूसरा ये ढाल वाली ज़मीन पर हो पाती है, क्योंकि अगर इसकी जड़ों में पानी खड़ा हो जाए तो झाड़ी की जड़ें हैं वो गल जाती है, झाड़ी नष्ट हो जाती है। ओके, तो ये जो फसल है ये किस प्रकार की फसल है ये हमें बताना है। तो पहला विकल्प है रोपण, दूसरा निर्वाह कृषि, तीसरा आदिम कृषि, चौथा रबी की फसल। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ए, ये रोपण कृषि में आ जाता है, जिसमें एक लंबे चौड़े खेत के ऊपर एक ही प्रकार की फसल बोई जाती है। ओके, और कई वर्षों तक उत्पादन देती है, तो ये रोपण कृषि का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39वां प्रश्न है, अरेबिका रोबस्टा किस प्रकार के किस फसल के प्रकार है। ओके, ये फसलों के दो प्रकार हैं, तो किस फसल के प्रकार ये हमें बताना है। तो पहला विकल्प है गन्ना, दूसरा है तंबाकू, तीसरा है कहवा यानी कि कॉफ़ी, चौथा है गेहूं। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा सी रहेगा, ये कॉफ़ी के दो प्रकार है, अरेबिका और रोबस्टा, ठीक। तो ये दोनों ही प्रकार की जो कॉफ़ी है उसका उत्पादन भारत में किया जाता है, इसमें से अरेबिका सबसे प्रमुख है, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में अरेबिका का होता है। अगर सबसे महंगी कॉफ़ी की बात की जाए तो वो कॉफी होती है, ओके, जो अमेरिका में जिसका एक कप 6,000 का मिलता है। अपने यहाँ पे सिर्फ अरेबिका और रोबस्टा ही पैदा की जाती है, अरेबिका सबसे प्रमुख है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कि ये कॉफ़ी के दो प्रकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40वां हमारा प्रश्न रहेगा, असम में चाय के कितने बागान हैं, लगभग बागान बताने हमें। तो इसमें चार विकल्प है, 300, 350, 750, 700। तो सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, लगभग 750 के आसपास बागान है चाय के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे, कपास उत्पादन में एक गांठ कितने किलोग्राम की होती है। जब कपास उत्पादन की बात की जाती है तो उसमें उत्पादन में आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है कितने गांठों का उत्पादन होता है, तो एक गांठ कितने किलोग्राम की होती है। तो चार विकल्प है, पहला 170, दूसरा 135, तीसरा 40 और चौथा डी ऑप्शन है 149। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा ए रहेगा, एक गांठ मतलब 170 किलोग्राम, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, 42वां हमारा प्रश्न है, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है, यानी कि जूट का सबसे बड़ा, जूट मतलब पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहला विकल्प है हमारा पश्चिम बंगाल, दूसरा बिहार, तीसरा उड़ीसा और चौथा छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर हमारा ए रहेगा, पश्चिम बंगाल भारत में पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया, 43वां हमारा प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कितने दिन पाला रहित होने चाहिए। ओके, कितने दिन है तेज धूप होनी चाहिए, यानी कि पाला नहीं पड़ना चाहिए। तो इसमें विकल्प दिए गए, पहला 180 से 210 दिन, दूसरा विकल्प है 102 से 120 दिन, तीसरा विकल्प है 350 दिन, चौथा विकल्प है हमारा 143 डेज। ओके, करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ए, 180 to 210 डेज है वो पाला रहित होने चाहिए। वैसे अभी जो हाइब्रिड फसलें ली जाती है वो फसलें लगभग 150 से 180 दिन की ही होती है, तो उसमें पाला रहित दिन अगर 150 भी रहते हैं तो भी करेक्ट होता है, लेकिन हमारा यहाँ पर विकल्प रहेगा 180 से 210 दिन पाला रहित होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 44 44वां प्रश्न रहेगा, भारत को निम्नलिखित में से किस पौधे का मूल स्थान माना जाता है, यानी कि ये फसल है वो भारत की अपनी फसल है, यहीं से बाहर से कहीं से नहीं लाई गई। तो इसमें पहला विकल्प है रबड़, दूसरा है जूट, तीसरा है कपास और चौथा है तंबाकू। करेक्ट आंसर हमारा सी रहेगा, कपास फसल का जो पौधा है इसका मूल स्थान भारत को ही माना जाता है, यानी कि यहीं से इसकी शुरुआत हुई है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 45 45वां प्रश्न, भारत विश्व का लगभग कितने प्रतिशत कॉफ़ी का उत्पादन करता है। ओके, तो कॉफ़ी का उत्पादन बहुत ज़्यादा हम नहीं करते हैं, लेकिन खपत भी थोड़ी कमी है, तो निर्यात फिर भी कर देते हैं। तो इसमें विकल्प दिए गए, पहला 2%, तीसरा 3%, चौथा 4 और चौथा ऑप्शन है 5%। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा सी रहेगा, भारत विश्व के लगभग 4% कॉफ़ी का उत्पादन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 46, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। हरित क्रांति मतलब फसलों के उत्पादन में बम्पर वृद्धि हुई थी। ओके, विशेष तौर पर चावल और गेहूं के उत्पादन में बम्पर वृद्धि हुई थी और इससे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, विकल्प दिया गया, पहला 1964 1964 में, 1965 1965 में, 1966 1966 में, 1967 1967 में। करेक्ट आंसर हमारा सी रहेगा, 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। ओके, हरित क्रांति का मतलब बम्पर फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है। इसके कई सारे कारण थे,
अच्छे बीजों का प्रयोग, रासायनिक खादों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग, मशीनों का प्रयोग, सिंचाई की सुविधा में बढ़ोतरी, सस्ते ऋण, इस प्रकार की सुविधा दी गई थी जिसके कारण इसमें बढ़ोतरी होती है एकदम से, इसलिए इसको हरित क्रांति का नाम दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की बात करेंगे, 47वां हमारा प्रश्न रहेगा, दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि दक्षिण भारत का कौन सा राज्य है जो गन्ना उत्पादन में अग्रणी है। ओके, पहले भी ये प्रश्न आ चुका है, तो इसमें पहला विकल्प है हमारा महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटक, तीसरा केरल और चौथा है हमारा तमिलनाडु। करेक्ट आंसर हमारा ए रहेगा, महाराष्ट्र है वो दक्षिण भारत का गन्ने उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ओके, ये यूपी के साथ कंपटीशन चल रहा है, कभी यूपी पहले स्थान पर आ जाता है देश भर में गन्ने के उत्पादन में और कभी महाराष्ट्र पहले स्थान पर आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48वां हमारा प्रश्न रहेगा, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र किस शहर में, ये हमें बताना है। तो इसमें चार विकल्प दिए गए, पहला हमारा सलेम, दूसरा है कोहिमा, तीसरा लखनऊ और चौथा है कन्याकुमारी। सी यानी कि लखनऊ करेक्ट आंसर रहेगा, यहाँ पर राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ओके, सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा, ये हमें बताना है। तो इसमें चार विकल्प दिए गए, रूस, चीन, पाकिस्तान, भारत। करेक्ट आंसर डी रहेगा, भारत है वो तिलहन यानी कि तेल वाली फसलों के उत्पादन में पहले स्थान पर आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है, 50 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ये दिया गया है सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है, यानी कि कितनी फसलें दी जाएगी ओके और कितना अधिक उत्पादन होगा उसको प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है। तो इसमें पहला सिंचाई, दूसरा यंत्रीकरण, तीसरा विकल्प है जनसंख्या, चौथा है कीटनाशक। तो इसमें सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, सस्य गहनता का जनसंख्या से कोई लेना देना नहीं है, उत्पादन कितना अधिक होगा, एक वर्ष में कितनी फसलें ली जाएगी ये डिपेंड करता है वहाँ पर कितना मशीनीकरण हुआ है, कितनी सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है, कीटनाशकों का कितना उपयोग किया जाता है, रासायनिक खादों का कितना उपयोग किया जाता है, ये सब कुछ ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ओके, तो जनसंख्या इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा 51 यानी कि 51वां प्रश्न रहेगा, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है। ओके, तो इसमें विकल्प दिए गए रबी, खरीफ, जायद और अघनी। करेक्ट आंसर हमारा बी रहेगा, वर्षा ऋतु की फसल यानी कि ग्रीष्मकालीन जो फसलें होती हैं उनको खरीफ कहा जाता है, बी हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 52, 52वां हमारा प्रश्न रहेगा, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है। ओके, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे विकल्प दिए गए, पहला धान, दूसरा है तिलहन, तीसरा है गेहूँ, चौथा है ज्वार। वैसे तो ये धान और गेहूँ दोनों पर ही इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा, दोनों के उत्पादन में ही बढ़ोतरी हुई, लेकिन सर्वाधिक जो प्रभाव है वो गेहूं की फसल के ऊपर पड़ा है। ओके, इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा बढ़ा है, चावल का भी अच्छा खासा बढ़ा है लेकिन चावल से भी थोड़ा अधिक बढ़ा है गेहूँ का। ओके, तो हमारा सी करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, दाल किसका मुख्य स्रोत है, दाल से हमें क्या प्राप्त होता है। तो इसमें करेक्ट हमें आंसर बताना है। तो चार विकल्प ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन है हमारा विटामिन, दूसरा प्रोटीन, तीसरा मिनरल, चौथा वाटर। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा बी रहेगा, दाल से हमें प्रोटीन मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 54 है, उसकी बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है। ओके, चार विकल्प दिए गए, पहला कहवा, दूसरा गन्ना, तीसरा धान, चौथा मकई। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा कह रहेगा, ए रहेगा, ए होना था यहाँ पे, वो रहेगा कॉफ़ी। ठीक, कॉफ़ी यानी कि कहवा की फसल के लिए ढालू भूमि की ज़रूरत होती है। एक तो चाय और एक कॉफ़ी दोनों फसलों के लिए ढाल वाली ज़मीन होनी चाहिए, जैसा कि पहले बताया था कि अगर ढाल वाली ज़मीन ना हो, इनकी जड़ों में अगर पानी खड़ा रह जाए तो इनकी जड़ें गल जाती है और झाड़ी नष्ट हो जाती है, इसलिए ढाल वाली ज़मीन पर ही इनकी कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 हमारा दिया गया, निम्नलिखित में से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है, किस फसल को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, सुनहरा रेशा, ये हमें बताना है। तो पहला जूट, दूसरा सन, तीसरा प्राकृतिक रेशम, चौथा इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हमारा ए रहेगा, जूट यानी कि पटसन की फसल को सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 56 दिया गया, 56वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृषि का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पहला विकल्प है कार्बनिक, दूसरा गहन, तीसरा रोपण, चौथा है सभी। तो इसमें हमारा ए करेक्ट आंसर रहेगा, कार्बनिक कृषि यानी कि जिसमें हम रासायनिक खादों का, कीटनाशकों का बहुत अधिक उपयोग करें हरित क्रांति के बाद, तो इसका पर्यावरण के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा जब अगर आपके विकल्प में झूम कृषि भी मिलते तो वो भी आपका इसी कैटेगरी में आता है, यानी कि उसका भी पर्यावरण के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
क्योंकि जो झूम खेती है, स्थानांतरित कृषि है, उसमें पेड़ों को काटा जाता है, और जो कार्बनिक कृषि है इसमें कीटनाशकों का, केमिकल का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ओके, तो इसमें ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 57 दिया गया, धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त होती है, यानी कि चावल की कृषि के लिए कितनी वर्षा की मात्रा चाहिए। पहला विकल्प है 100 से 110 सेंटीमीटर, दूसरा 50 से 100 सेंटीमीटर, तीसरा है 100 से 120 सेंटीमीटर, चौथा विकल्प है 100 से 200 सेंटीमीटर। तो धान की कृषि के लिए, चावल की कृषि के लिए काफ़ी अधिक बारिश की आवश्यकता होती है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 टू 200 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा दिया गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित नहीं है। ठीक, पहला है जूट, दूसरा उर्वरक, तीसरा लोहा इस्पात, और चौथा है सीमेंट। यानी हमें क्या बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित है। तो इसमें उर्वरक है, लोहा इस्पात है, सीमेंट है, ये कृषि से संबंधित नहीं है। केवल ए यानी कि जूट उद्योग है, पटसन उद्योग है, वो कृषि से संबंधित है। जूट उद्योग है, उसका कच्चा माल क्या होता है, पटसन, जूट कहाँ से आता है, खेती से आता है, कृषि से आता है, ये कृषि से संबंधित उद्योग है हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 हमारा 59वां प्रश्न रहेगा, कर्तन दहन, कर्तन एवं दहन प्रणाली है, कृषि को किस देश में मिल्पा कहा जाता है। कर्तन दहन क्या है, हमारी स्थानांतरित कृषि है, झूमिंग कृषि है। इसको कर्तन दहन कैसे कहा जाता है, कि कर्तन का मतलब होता है काटना और दहन का मतलब होता है जलाना। तो इस खेती में जो किसान होते हैं वो एक स्थान पे जाते हैं, पेड़ों को काटते हैं, फिर उनको जलाते हैं, कृषि करते हैं, 3 से 5 वर्षों के बाद जब जमीन है वो कम उपजाऊ होगी, दूसरी जगह पे जाएंगे, पेड़ों को काटेंगे, जलाएंगे, इसलिए इसको कर्तन दहन कृषि कहा जाता है। तो इसको किस देश में मिल्पा कहा जाता है, ये हमें बताना है, स्थानांतरित कृषि को किस देश में मिल्पा कहा जाता है। चार विकल्प है, पहला फ्रांस, दूसरा मैक्सिको, तीसरा है जर्मनी, और चौथा है रूस। मै से मिल्पा और मै से मैक्सिको, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति को कौन सी क्रांति कहते हैं। पहला विकल्प है हरित क्रांति, दूसरा नीली क्रांति, तीसरा सफ़ेद क्रांति, चौथा इनमें से कोई नहीं। सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, इसको व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है, व्हाइट क्रांति यानी कि सफ़ेद क्रांति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया, 61वां हमारा प्रश्न है, रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ओके, चार विकल्प है, पहला बिहार, दूसरा यूपी, तीसरा मध्य प्रदेश, और चौथा हमारा कर्नाटका। करेक्ट आंसर हमारा रहेगा इसमें डी, कर्नाटका रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। रागी मोटे अनाजों में आती है, रागी, ज्वार, बाजरा, ये सारी मोटे अनाजों वाली फसलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 62 रहेगा, बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसमें करेक्ट आंसर हमें फाइंड आउट करना है, पहला विकल्प हमारा राजस्थान, दूसरा हरियाणा, तीसरा महाराष्ट्र, और चौथा बिहार। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा ए रहेगा, राजस्थान है वो बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, इसमें पूछा गया कि पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। ओके, तो गेहूं की फसल की जब बुआई की जाती है तो उसमें 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जब वो पकता है तो उसके लिए 15 से 21 डिग्री यानी कि बढ़ते समय 15 से 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, और पकते समय कितना चाहिए ये हमें बताना है। तो इसमें पहला विकल्प है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 15 से 25 डिग्री सेल्सियस, चौथा विकल्प है 21 से 24 डिग्री सेल्सियस। तो डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, यानी पकते समय इसके लिए 21 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, यानी कि उस वक्त इसकी कटाई होती है मार्च एंड या अप्रैल के स्टार्टिंग में, लगभग अप्रैल के स्टार्टिंग में ही होती है पंजाब हरियाणा की अगर बात करें तो उस वक्त 21 से 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की नीड होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 64 रहेगा, 75 सेंटीमीटर यानी कि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है। जहां बारिश कम होती है तो वहां पर भी कृषि की जाती है, तो उस कृषि को क्या कहा जाता है। तो पहला है आर्द्र कृषि, ये तो वहां की जाती है जहां बारिश ज़्यादा होती है। दूसरा है शुष्क कृषि, तीसरा निवेश कृषि, चौथा है वर्षाधीन कृषि। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा बी रहेगा, उसको शुष्क कृषि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 65, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी है वो सर्वश्रेष्ठ होती है, सबसे बेस्ट होती है। तो पहला विकल्प है लाल मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा पीली मिट्टी, और चौथा भूरी मिट्टी। करेक्ट आंसर हमारा बी रहेगा, काली मिट्टी, जिसको कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, गन्ने की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है। ओके, आइडियल टेम्परेचर की बात करें हम यहाँ पर, उससे ज़्यादा या कम है तो भी हो सकता है, कृषि होती हो सकता है क्यों होती है, लेकिन आइडियल कितना होता है। पहला विकल्प हमारा
18 से 21 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, तीसरा 27 से 30, चौथा 31 से 35। बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। इसके लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसको आइडियल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 67। गहन जीविका निर्वाह कृषि है, जो गहन जीविका कृषि है वो किन क्षेत्रों में की जाती है। ओके, एक तो होती है जीविका निर्वाह कृषि जिसको हम झूम या झूमिंग बोलते हैं, एक होती है गहन जीविका निर्वाह कृषि, वो कहाँ की जाती है। तो पहला, जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक होती है। दूसरा, जहाँ पर भूमि पर जनसंख्या का दबाव कम होता है यानी कि जनसंख्या कम होती है। वहाँ जहाँ पर जनसंख्या का दबाव नामात्र होती है यानी कि जनसंख्या बिल्कुल ही कम होती है। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ई हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। घनी जनसंख्या वाले जो प्रदेश होते हैं वहाँ पर, उन देशों में किस प्रकार की कृषि की जाती है, गहन आजीविका निर्वाह कृषि है वो की जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 68। ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक, ये हमें बताना है। तो ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसमें पहला हमारा विकल्प रहेगा कर्नाटक, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा हमारा राजस्थान और चौथा हमारा उत्तर प्रदेश। तो इसमें हमारा महाराष्ट्र वो करेक्ट आंसर रहेगा, ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम माना जाता है, ये हमें बताना है। तो इसमें चार विकल्प दिए गए, पहला जलपाईगुड़ी, दूसरा दार्जिलिंग, तीसरा तवांग और चौथा माउंट आबू। करेक्ट आंसर हमारा बी रहेगा। दार्जिलिंग की जो हरी चाय होती है उसकी देश विदेश में बड़ी मांग रहती है, लगभग 4 से 4,500 रुपये पर केजी वो चाय बिकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 70। रेशम कीड़ा पालना क्या कहलाता है, जो रेशम का कीड़ा है उसको पाला जाता है तो उसे क्या कहते हैं। पहला सेरीकल्चर, दूसरा रेशम कल्चर, तीसरा पीसी कल्चर, चौथा विकल्प है तीसी कल्चर। तो उसे बोलते हैं सेरीकल्चर, यानी कि रेशम के कीटों को पालना, रेशम की कृषि जो की जाती है रेशम के कीटों की, तो उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, कर्तन एवं दहन कृषि किसे कहा जाता है। ओके, तो विकल्प है हमारा, पहला विकल्प है झूम कृषि को, दूसरा वाणिज्यिक पशुपालन कृषि को, तीसरा निर्वाहन कृषि को और चौथा है हमारा भूमध्य सागरीय कृषि को। ओके, तो इसमें झूम कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि कहा जाता है, ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे गहन जीवन निर्वाह कृषि होना चाहिए, तो अगर हम इसमें कहें कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, तो ये दोनों विकल्प सही हो जाते हैं। तो इसमें झूम कृषि है उसको कर्तन एवं दहन कृषि कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, भारत की जो इकोनॉमी है वो किस पर टिकी हुई है। पहला कृषि पर, दूसरा उद्योग पर, तीसरा खनिज पर, चौथा इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर। करेक्ट आंसर हमारा ए रहेगा। भारत की अर्थव्यवस्था वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, यानी कि कृषि के ऊपर टिकी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 73, जो इस वीडियो का, इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ये है क्वेश्चन हमारा, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। भूदान आंदोलन के तहत जो बड़े जमींदार थे उनसे रिक्वेस्ट की गई थी, उनको प्रेरित किया गया था कि आप अपनी जमीनी है जो भूमि है उनमें बांट दें। ओके, तो इसकी शुरुआत किसने की थी। पहला विकल्प है आचार्य विनोबा भावे ने, दूसरा गांधी जी ने, तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, चौथा बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ए, आचार्य विनोबा भावे इस आंदोलन के प्रेरणा माने जाते हैं। तो चलिए ये था आज का आपका एपिसोड। आपका क्लास 10th इंग्लिश हिंदी की भी MCQ सीरीज चल रही है, और 30 अगस्त तक आपकी एक सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि आपका सिलेबस है सोशल साइंस इंग्लिश और हिंदी का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवाया जाएगा साइंस और मैथ्स का, PDF फॉर्मेट में आपको दे दिया जाएगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आई होप ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही होगी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो इसको लाइक करने के साथ साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ NTSC का एग्ज़ाम भी आपका आ रहा है पास में ही, NTSC के एग्ज़ाम के लिए भी साथ ही साथ आपको प्रिपरेशन करनी है, कुछ अलग एक्स्ट्रा नहीं करना है। लेकिन क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो, कौन से टॉपिक आने वाले, वो सब कुछ हमने एक वीडियो में डिस्कस किए हैं ऑल अबाउट NTSC में। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप सर्च कीजिए ज्योग्राफी ग्रुप स्पेशल में, वहाँ पर ये वीडियो मिल जाएगा, इसको देखिए और लग जाइए अपनी NTSC की प्रिपरेशन में। इस एपिसोड में, इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।